इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत देश भुखमरी की कगार पर है, शायद फिर कुछ अंध वक्तों को यह बात नागवार गुजरे, पर यह सच है कि देश भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। हम चाहे जितना भी तरक्की विकास का ढिंढोरा पीटते रहे, पर पूरी दुनिया में भारत गरीब देशों की फहरिस्त में पहुंच चुका है। खैर, मोदी है तो मुमकिन है। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं, इसमें मोदी हुकूमत को शर्मानी चाहिए, पर उन्हें आती नहीं है। और बात है कि हम अब बांग्लादेश से भी गए गुजरे हो चुके हैं। कभी बांग्लादेश को गरीब देश बांग्लादेश कहा जाता था, पर बांग्लादेश भारत से तकरीबन 20 नंबर आगे पहुंच चुका है। और क्या बदनसीबी हो सकती है हमारे देश की, पर हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ ठीक है कहने से नहीं चूकते और ना किसी नौटंकी से बाज आते हैं। हाल ही में समंदर किनारे घूमते हुए कचरा साफ करते हुए वीडियो वायरल किया गया, जो खुद प्रधानमंत्री दफ्तर से किया जाता है। कभी डिस्कवरी में जंगल में घूमते नजर आते हैं तो कभी समंदर किनारे। विदेशों में जाकर भारत कैसे विश्व गुरु बनने जा रहा है, इस पर जोरदार भाषण तो जरूर होता है। बेचारे अंधभक्त मोदी मोदी के नारे लगाकर देशभक्त होने का मुजाहरा करते हैं। कल ही 25,000 होमगार्डों को बेरोजगार किया गया। हर रोज यही हो रहा है। सुबह से शाम तक पड़ोसियों को कोसने वाली मीडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश को भीख का कटोरा थमाने वाले हमारे टीवी एंकर शायद देश की जनता को बेवकूफ बनाते बनाते कहां जाकर पहुंचे पता ही नहीं चला। चारों तरफ से जब देश की मईशत अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो देश में फिर से हिंदू मुस्लिम का माहौल को गरमाना जरूरी है और यही माहौल गरमाने की साजिश रची जा रही है। लोग भुखमरी से मर रहे हैं और यहां हिंदू राष्ट्र का लॉलीपॉप या हिंदू खतरे में है के नारे लगाए जा रहे हैं। फिर टीवी पर रोज बाबरी मस्जिद राम मंदिर ही जारी है। अब यही तो सहारा देश की सरकार का, अगर जनता को मजहबी नफरत में ना उलझाया जाए तो वह रोजगार पर सवाल पूछेगा, अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछेगा, भुखमरी पर सरकार को आड़े हाथ लेगा। बेहतर है कि फिर से गोदी मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम का नाटक चलाया जाए। देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, भाजपा के लीडर मनमानी जवाब दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण कहती है कि ऑटोमोबाइल में मंदी इसलिए आई है क्योंकि ओला उबर बहुत ज्यादा हुआ है। भाजपा के सीनियर कायद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि भारत में फिल्में तो 120 करोड़ का कारोबार कर रही हैं, कहां है आर्थिक मंदी। अब तो इनकी सोच पर ही मातम करे या अफसोस करे समझ में नहीं आता। किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं मोदी सरकार। पहले भारत विकास के पर 55 नंबर पर था, जो अब लुढ़क कर 107 नंबर पर आ चुका है। दुनिया की सुपर पावर बनने की बात करने वाला भारत मुकाबला कर रहा है कि नाइजीरिया में ज्यादा गरीब है या भारत में गरीब। रवांडा से भी गरीब बन चुका है भारत। किसी एक धर्म की नफरत में हम कहां से कहां पहुंच गए। हर रोज यह गिरावट जारी है। वैसे तो फिलहाल मंदिर मस्जिद की हमें जल्दी नहीं है, हमें जरूरत है रोजगार की, नौकरियों की, बेहतर कारोबार की, रोटी कपड़ा मकान की। अब हुकूमत को चाहिए कि जनता को गुमराह करना छोड़े, क्योंकि अब नौटंकी समझ में आ रही है। जहां मोदी सरकार विदेशों में लाखों लोगों को इकट्ठा करने का दावा करती है, वहीं हरियाणा में रोहतक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए 5 पेंडल बनाए गए थे, जिसमें से 4 पूरे खाली थे। लंदन न्यूयॉर्क में लाखों लोगों को इकट्ठा करने वाले वजीर आजम को क्यों देश की जनता सुनना नहीं चाहती। क्या अब देश में मोदी सरकार की असलियत जान लिए। अगर वाकई देश की जनता गफलत की नींद से जाग चुकी है तो यकीनन आने वाले दिनों में नया परिवर्तन यानी तब्दीली नजर आएगी। सच मानिए, देश बहुत ही संगीन दौर से गुजर रहा है। मासूम बच्चों के खाना न मिलने से हो रही मौतों में वे भारत सबसे आगे पहुंच चुका है। ताज्जुब तो अफ्रीका देशों की तरह हम गरीब बन चुके हैं। गरीबी में पाकिस्तान 94 नंबर पर, बांग्लादेश 88 नंबर पर, तो श्रीलंका 66 नंबर पर है और भारत सीधा 107 नंबर पर पहुंच चुका है। स्वच्छ भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को तो अवार्ड दिया गया, अब वो भी शक के दायरे में आ चुका है। भारत में शौचालय तो बने, पर रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद खुले में शौच करती है, जिससे बीमारियां फैलती नजर आ रही है। भारत उन 45 देशों में शुमार हुआ है जहां गरीबी भुखमरी ज्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बांग्लादेश और नेपाल की तारीफ करते हुए कहा कि इन दो देशों से दूसरे देशों को सबक सीखना चाहिए। क्या वाकई अब नेपाल से भारत को सीखना होगा। पूर्व न्यायाधीश
कोल से पाटिल का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर ही नहीं सकती और मोदी योगी अमित शाह ने इसे खड्डे में डाल दिया है। धर्म के नाम पर लड़ाकर गुमराह करना, यही काम मोदी सरकार का बचा हुआ है और यही गांधी विरोधी ताकतें कर रही हैं, जो कभी अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। कुदरत का कानून है कि वह कभी ज्यादती को बढ़ने नहीं देता, बर्दाश्त नहीं करता, और शायद यही भारत की आने वाली सियासी सरगर्मियां दिखाना चाहती है। लोगों में बेदारी आ रही है। गंगा जमुनी तहजीब की जो पहचान भारत की है, वह फिर से देश में आम होने वाली है और यही हमारे देश का सरमाया है, यही पहचान शनाखत है। हम सभी का फर्ज है कि देश की जमहूरियत, लोकतंत्र की मुकम्मल हिफाजत होनी चाहिए। इत्तेहाद न्यूज देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।